Hello students, how are you? In this video I'll explain you exercise 12 chapter 4. My first question is the cost of a scooter is 36,453. ठीक, तो ये कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ 270 स्कूटर. कह रहे हैं कि एक स्कूटर की जो कॉस्ट है वो 36,453 है, तो 270 स्कूटर की कॉस्ट कितनी होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ अ स्कूटर 36,453, यानी एक स्कूटर की कॉस्ट हमने राइट कर ली. उसके बाद कॉस्ट ऑफ 270 स्कूटर, जब हमें एक की कीमत पता है तो 270 की जब हम कॉस्ट निकालेंगे तो टोटल कॉस्ट जो है उसमें से उसको हम 270 से मल्टीप्लाई कर देंगे. देखिए यहाँ पर मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको मल्टीप्लीकेशन 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट की सिखाई है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे और आपका ये आंसर आ जाएगा. आपका आंसर क्या होगा, देखिए 98,42,310. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ अ बाइसिकल इज 2,895. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1,486 बाइसिकल. एक बाइसिकल की कॉस्ट आपकी 2,895 है, तो 1,486 बाइसिकल की कॉस्ट कितनी होगी. सिमिलरली हम उसी तरीके से ही सॉल्व करेंगे. कॉस्ट ऑफ अ बाइसिकल दे रखी है, गिवन है कॉस्ट ऑफ 1,486 बाइसिकल. टोटल कॉस्ट की हम मल्टीप्लीकेशन जो पूछ रहा है जितनी साइकिल्स की उससे करेंगे और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपका ये आंसर गिवन है. ठीक, ये आपका आंसर आएगा मल्टीप्लीकेशन के करने के बाद. नाउ कम नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 1,483 बैग्स ऑफ अ वीट इन अ गोडाउन. इफ ईच बैग वेट 108 kg, फाइंड द टोटल वेट ऑफ दीज बैग. कहने का मतलब है एक गोडाउन है जिसमें आपका 1,483 बैग्स हैं, किसके, गेहूं के, और जो है एक बैग का जो वेट है 108 kg है. ठीक, तो कह रहे हैं फाइंड द टोटल वेट. टोटल वेट यहाँ हमें फाइंड आउट करना है, तो टोटल बैग इन अ गोडाउन इज इतना, यानी 1,483 टोटल बैग्स हैं. तो ईच बैग का वेट 108 kg है, तो टोटल हम क्या करेंगे, वही टोटल में से ईच को मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका ये आंसर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन करने के बाद. इज डेट क्लियर. नाउ कम नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लोथ मिल प्रोड्यूस 3,743 मीटर ऑफ अ क्लोथ इन अ डे. हाउ मच क्लोथ विल इट प्रोड्यूस इन 286 डेज. एक क्लोथ मिल है जो कि वन डे में 3,743 क्लोथ प्रोड्यूस कर रही है. ठीक, सॉरी 3,746 क्लोथ प्रोड्यूस कर रही है, तो बोल रहे हैं ये 286 डेज में कितने क्लोथ प्रोड्यूस करेगी, कितने मीटर क्लोथ प्रोड्यूस करेगी मिल फैक्ट्री. तो क्लोथ मिल प्रोड्यूस क्लोथ इन अ डे, ठीक, प्रोड्यूस क्लोथ इन 286 डेज, वही सेम टोटल में से जो आपका पूछ रहा है उसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा, 1,71,356. Is that clear? Now come next question. Next question is a bag contains 2,743 48 pencils. How many pencils are there in 1,674 such bags? एक बॉक्स है जिसके अंदर इतनी पेंसिल्स रखी हैं, यानी है इतनी पेंसिल्स हैं. ठीक, तो कह रहे हैं हाउ मेनी पेंसिल आर देयर इन, तो इतने, तो बोल रहे हैं कितनी पेंसिल 1,674 बॉक्स में आ सकती हैं. तो अ बॉक्स कंटेन पेंसिल, एक बॉक्स में इतनी पेंसिल्स हैं, कह रहे हैं 1,674 बॉक्स कंटेन्स पेंसिल, तो टोटल में से जितना पूछ रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर ये आपको ऑब्टेन हो जाएगा. इज डेट क्लियर. नाउ कम नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन. फाइंड द कंटिन्यू प्रोडक्ट. कंटिन्यू प्रोडक्ट किसे बोलते हैं, जब लगातार आपका मल्टीप्लीकेशन करें. पहले हम इसकी फर्स्ट वी मल्टीप्लाई पाए 628 × 537, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे. देखिए मैंने की है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन. उसके बाद जो आपका आंसर आएगा, देखिए
जो आपका आंसर आया नाउ वी मल्टीप्लाई, जो आपका आंसर आया वो जो लास्ट में बचा उससे आप उसकी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। देखिए ये मैंने की है, इज डेट क्लियर। कंटिन्यू जो आपका मल्टीप्लीकेशन है उसको हम इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।